दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैमेला और वर्च्यू रिवार्डेड। दोस्तों इसको लिखा था सैमुअल रिचर्डसन ने। सैमुअल रिचर्डसन की दोस्तों ये फर्स्ट नोवेल थी और बहुत ही फेमस नोवेल थी। इसको 1739 से 1740 के बीच में लिखा गया था और 1740 में पब्लिश करवाया गया था इंग्लैंड में। बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। ये एक रोमांस नोवेल है और सैमुअल रिचर्डसन की पर्सनल लाइफ पर बेस्ड है ये नोवेल। दोस्तों जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके रेस्पॉन्स में, इस नोवेल के रेस्पॉन्स में, हेनरी फील्डिंग ने अपनी एक नोवेल लिखी थी जिसका नाम है जोसेफ एंड्रयूज़। उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों बहुत हद तक ये कहानी खुद सैमुअल रिचर्डसन की पर्सनल लाइफ से मिलती जुलती है। इस कहानी की शुरुआत होती है बेडफोर्ड शायर नाम की जगह से। ये जगह इंग्लैंड में है और दोस्तों ये नोवेल जो है ये लेटर्स में लिखी गई है। इस नोवेल में, इस कहानी की मेन कैरेक्टर पैमेला लेटर्स लिखती है अपने पेरेंट्स को। पैमेला 15 साल की एक लड़की है जो एक मेड सर्वेंट का काम करती है लेडी बी के पास में। 3 साल से ये यहाँ पर काम कर रही है लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली लेडी बी की डेथ हो चुकी है। दोस्तों ये पैमेला जानती है कि लेडी बी कितनी काइंड लेडी थी। तो अब लेडी बी की डेथ के बाद में पैमेला को ये डर है कि अब उसकी जॉब चली जाएगी, उसको उसकी गरीब फैमिली के पास वापस जाना पड़ेगा। लेकिन लेडी बी का एक लड़का है जिसका नाम है मिस्टर बी, वो अब उस घर का मालिक बन गया है। ये इस एरिए का स्क्वायर है, मतलब बहुत ही पैसे वाला आदमी है ये मिस्टर बी। तो ये मिस्टर बी सारे सर्वेंट्स को बोलता है कि ये किसी को भी नहीं निकालेगा, यानी कि पैमेला की जॉब अब बच गई। दोस्तों ये पैमेला एक धार्मिक टाइप की इनोसेंट लड़की है लेकिन ये चालाक भी है। इसको पता है कि इसको अपनी ये जो वर्च्यू है इसको बना करके रखना है, इसको खोना नहीं है, मतलब पवित्र रहना है शादी तक। लेकिन इसका जो नया मालिक है मिस्टर बी, वो अपनी माँ लेडी बी की डेथ के बाद में इस पैमेला के करीब आने की कोशिशें करता है, इसको तरह तरह के ऑफर्स देता है, कुल मिलाकर के इसको शेड्यूस करने की कोशिश करता है मुंह से। अभी तक इसने इसको हाथ नहीं लगाया। तो ये पैमेला अपने पेरेंट्स को सब कुछ लिखकर बताती रहती है लेटर्स में कि मेरा मालिक ऐसा है, ऐसा ऐसा करता है। तो इसके पेरेंट्स इसको बोलते हैं कि बेटा अगर ऐसी ही बात है तो तू अपनी वर्च्यू को बचा कर रखना, खुद को मैला मत होने देना। अगर तुझे लगे कि तेरा मालिक तुझसे फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए ट्राई कर रहा है तो तू तुरंत वापस घर आ जाना, हम लोग गरीबी में ही जी लेंगे, हमको पैसे की इतनी चाह नहीं है। अब दोस्तों इसके कुछ टाइम बाद ही मिस्टर बी ने ऐसा ट्राई किया, यानी कि इस पैमेला से फिजिकल छेड़छाड़ की। तो पैमेला ने अपने मालिक का विरोध किया तो उसका मालिक डर गया, ये मिस्टर बी डर गया और डर के मारे इसने इसको पैमेला को कहा कि ब्राइब करने की कोशिश की कि किसी को ये बात बताना मत, तुमको जो चाहिए मैं दूंगा। लेकिन इसी घर में एक और लेडी काम करती थी जिसका नाम था मिसेस जर्विस, उसको जाकर के पैमेला ने सब कुछ बता दिया। मिसेस जर्विस पैमेला की अच्छी दोस्त थी, माँ की तरह थी उसकी, तो पैमेला ने जाकर सब कुछ बता दिया। लेकिन इस घटना के बाद भी मिस्टर बी ने पैमेला से छेड़छाड़ करना बंद नहीं की। वो कबर्ड में छुप गया और अचानक बाहर आया। जब रात में पैमेला कपड़े बदल रही थी तो ये अचानक से बाहर आया और उसको किस करने की कोशिश की। लेकिन पैमेला को अपनी वर्च्यू को बचाना था तो उसने अपने पेरेंट्स के पास वापस जाने की जिद की। लेकिन मिस्टर बी इसे ब्लैकमेल करने लगा, वो इसे जाने नहीं देना चाहता था। बहुत बार मिस्टर बी ने पैमेला का एडवांटेज लेने की कोशिश की लेकिन हर बार वो फेल हो गया। पैमेला बस अपने घर जाने की जिद करती थी। तो ऐसे में मिस्टर बी ने फैसला किया कि वो इस पैमेला को इसके घर भेजेगा। तो इसने पैमेला को घर भेज दिया लेकिन ये इसकी एक चाल थी। इसने पैमेला को घर भेजने की बजाय लिंकन शायर भेज दिया, लिंकन शायर नाम की जगह पर भेज दिया और पैमेला के पेरेंट्स को कहा कि मैंने उसे ऐसी जगह पर भेजा है जहां पर वो एकदम सेफ रहेगी, उसकी वर्च्यू कायम रहेगी। मतलब पैमेला के माँ बाप को इसने संभाल लिया। अब दोस्तों पैमेला जहां पे गई है लिंकन शायर, वहां पे ये एकदम कैद में थी। वहां लेडी ज्यूकस नाम की एक लेडी काम करती थी जो बड़ी ही रूड लेडी थी, यानी कि उसका नेचर ठीक नहीं था पैमेला के लिए और पैमेला को उसी लेडी के साथ सोना पड़ता था। दोस्तों मिस्टर बी बीच बीच में यहां पर पैमेला से मिलने आया करता था लेकिन यहां पे लिंकन शायर में पैमेला उसे हाथ, खुद को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। अब दोस्तों मिस्टर बी लिंकन शायर से वापस चला गया तो पैमेला की मुलाकात हुई यहां पे एक बंदे से जिसका नाम था मिस्टर विलियम्स। ये एक क्लर्जी मैन था मिस्टर विलियम्स, जो इस पैमेला का दोस्त बन गया।
दोनों ऐसे डायरेक्टली तो बात कर नहीं सकते थे, तो ये पैमेला उसको लेटर्स लिखती थी और वो लेटर्स जाकर के एक सनफ्लावर में जाकर के छुपा के आती थी। वो भी सनफ्लावर्स में अपने लेटर्स को छुपाता था, तो लेटर्स के जरिए इन दोनों की एक दूसरे से बातें होती थी। ये मिसेस ज्यूक्स भी पैमेला से बुरा बर्ताव करती थी क्योंकि पैमेला इसका नाम ठीक से नहीं ले पाती थी, तो इसलिए ये पैमेला को पीटती भी थी। अब दोस्तों, ये मिस्टर विलियम पैमेला की हेल्प करने के लिए राज़ी हो गया। ये अपने गांव के बड़े लोगों के पास में पैमेला को लेकर के गया, उनके पास जाकर के इसने हेल्प मांगी। तो उन लोगों ने पैमेला पर दया दिखाई, लेकिन उन लोगों ने पैमेला की हेल्प नहीं की क्योंकि मिस्टर बी का सोशल स्टेटस बहुत ही बड़ा था, इसलिए ये डरते थे मिस्टर बी से। तो ऐसे में इन लोगों ने इस मिस्टर विलियम को ही सलाह दी कि तुम ही पैमेला से शादी कर लो, शायद मिस्टर बी इसके बाद में कुछ नहीं कर पाए। तो मिस्टर विलियम ने पैमेला को ऑफ़र दिया कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं इस मिस्टर बी के जाल से। तो ठीक है, एक दिन क्या होता है दोस्तों, ये सर विलियम जो है इस पर चोरों ने हमला कर दिया, ये पिट गया चोरों से। और दोस्तों यहाँ पे पैमेला भी अपने घर से भागने की कोशिश में लगी हुई थी, वो भागी लेकिन किसी वजह से ये भाग नहीं पाई। एक बात जो दोस्तों मैंने पहले आपको नहीं बताई, अब बता रहा हूँ कि इस जगह पर आने के बावजूद, यहाँ पे आने के बावजूद पैमेला अपने लेटर्स लिखते रहती थी अपने पेरेंट्स को। हालांकि ये लेटर्स इसके पेरेंट्स को जाते नहीं थे, लेकिन ये सोचती थी कि कभी ना कभी तो इसके पेरेंट्स के पास ये लेटर पहुँचेंगे। दोस्तों इस बीच मिस्टर बी का वापस यहाँ पर आना हुआ, वो वापस आकर पैमेला से वापस उसको शेड्यूस करने लगे, लेकिन पैमेला वैसे के वैसे ही अपनी बच्ची को बचाने में लगी हुई थी। उसने उस घर से दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो चढ़ नहीं पाई, उसको चोट लग गई, वो घायल हो गई और उसने ये भागने का आइडिया ड्रॉप कर दिया फिलहाल के लिए। दोस्तों ये मिस्टर बी क्या प्लान बनाता है, क्या करता है, ये इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये खुद को मेड सर्वेंट में बदल लेता है, अपना हुलिया बदल कर ये एक मेड सर्वेंट बन जाता है। ये मिसेस ज्यूक्स इसकी मदद करती है और ये अपना नाम रख लेता है नैन, और पैमेला के साथ में ये बिस्तर में सो जाता है। अब पैमेला को ये रियलाइज़ हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसने अपनी सांसें रोक ली, एक तरह से ऐसे बेहोश हो गई जैसे वो मर चुकी है। ये तरीका वो मिस्टर बी से बचने के लिए कई बार अपना चुकी है, इस बार भी उसने यही किया। ये चीज़ देखकर मिस्टर बी का बिहेवियर पैमेला के लिए एकदम चेंज हो जाता है, वो अब ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करते पैमेला को शेड्यूस करने की। पैमेला भी मिस्टर बी से रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा मत कीजिए। तो अब ऐसे में मिस्टर बी पैमेला से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ, प्यार तो करता हूँ, लेकिन हमारे बीच में ये जो सोशल गैप है इसकी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब दोस्तों ऐसे में ये मिस्टर बी को कुछ टाइम के लिए वापस जाना पड़ा, तो ऐसे में इस पैमेला को एक भविष्य बताने वाला मिला। उस भविष्य बताने वाले ने पैमेला को वार्निंग दी कि मिस्टर बी से तुम्हारी नकली शादी होगी, यानी कि मिस्टर बी तुम्हें नकली शादी करके फंसाने की कोशिश करेगा। तो अब पैमेला के मन में भी मिस्टर बी के लिए जो थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आ रही थी वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो वापस सोचने लगी कि मिस्टर बी मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बातें वो अपने लेटर्स में लिखती थी और वो लेटर्स को अपने पास में ही रखती थी फूलों के नीचे छुपा के। तो ये जो मिसेस ज्यूकस है इसको उसके सारे लेटर्स मिल गए, पैमेला के सारे लेटर्स मिल गए, तो इसने वो लेटर्स जा कर के मिस्टर बी को दे दिए। मिस्टर बी ने उन लेटर्स को पढ़ा, उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि पैमेला अभी भी उनके बारे में ऐसा ही समझती है। तो मिस्टर बी ने पैमेला से कहा कि मैं तुम्हारी ये गलतफहमी तुमसे शादी करके दूर कर दूंगा, यानी कि हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन पैमेला को उस फॉर्च्यून टेलर यानी कि उस भविष्य बताने वाले की बात याद थी कि ये तुम्हें शादी करके, नकली शादी करके फंसाने की कोशिश करेगा। पैमेला ने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बस अपने पेरेंट्स के पास जाना है। मिस्टर बी को अब बहुत गुस्सा आया, वो बहुत उदास भी थे, तो उन्होंने पैमेला को जाने दिया, कहा कि तुम जाओ। वो मिस्टर बी को गुड बाय कहकर वहाँ से चली गई। रास्ते में दोस्तों पैमेला को मिस्टर बी का लेटर मिला, में वो पैमेला को ब्लेसिंग्स दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम एक अच्छी लाइफ जियो। दोस्तों ये लेटर मिलने के बाद पहली बार पैमेला को मिस्टर बी के लिए कुछ फील होने लगा। इसके बाद पैमेला को मिस्टर बी की तरफ से एक और लेटर मिला कि मिस्टर बी बहुत बीमार हैं, वापस आ जाओ। तो पैमेला वापस जाने के लिए राजी हो गई मिस्टर बी के पास में। वापस आकर पैमेला ने मिस्टर बी को ये बताया कि वो क्यों उनको छोड़ करके गई थी, क्योंकि उस भविष्य बताने वाले ने उनसे कहा था कि मिस्टर बी तुमसे नकली शादी करेंगे। तो मिस्टर बी ने कहा, मैं पहले ऐसी प्लानिंग कर तो रहा था, लेकिन अब मेरा दिमाग बदल गया है, मैं तुमसे असलियत में शादी करूँगा।
अब इन दोनों की शादी होने वाली थी पैमेला और मिस्टर बी की, तो ये प्लानिंग करने में लगे हुए थे। जो जो मिस्टर बी बोल रहे थे पैमेला उन सबको मान रही थी, क्योंकि मिस्टर बी चाहते थे कि उनकी वाइफ जो हो उसमें ऐसी खूबियां हो कि वो एक बड़े क्लास की लेडी लगे। पैमेला भी अब मिस्टर बी की तरफ पिघलने लगी थी। ऐसे में दोस्तों पैमेला के फादर भी वहां पर आए पैमेला को लेने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पैमेला हैप्पी है, बहुत खुश है अब, तो वो भी बड़े खुश हुए। फाइनली पैमेला और मिस्टर बी की एक छोटे से चर्च में शादी हो गई, और शादी के बाद मिस्टर बी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तो दोस्तों पीछे से मिस्टर बी की एक बड़ी बहन थी लेडी डेवर्ट्स, वो इस घर में आई। लेडी डेवर्ट्स का दोस्तों बर्ताव पैमेला के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। इस घर में दो ही जने थे, लेडी डेवर्ट्स और पैमेला। वो पैमेला को धमकाने लगी कि सच में तुम्हारी कोई शादी मेरे भाई के साथ नहीं हुई है। दोस्तों ऐसे में पैमेला खिड़की से कूदकर मिस्टर बी के पास भाग गई, और अगले दिन ये लेडी डेवर्ट्स बिना पूछे पैमेला और मिस्टर बी के कमरे में आकर पैमेला की इंसल्ट करने लगी। तो मिस्टर बी को अपनी बहन पर गुस्सा आ गया, लेडी डेवर्ट्स पर, लेकिन इस पैमेला ने मिस्टर बी को समझाया तो वो समझ गए। लेकिन लेडी डेवर्ट्स का गुस्सा अभी भी पैमेला के लिए कम नहीं हुआ था, उनकी नफरत अभी भी कम नहीं हुई थी पैमेला के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेरे भाई यानी कि मिस्टर बी के पहले सैली नाम की एक लड़की से संबंध रह चुके हैं इटली में जब ये कॉलेज में था। ऐसे में मिस्टर बी ने भी ये बात मानी। अब दोस्तों मिस्टर बी की इस सैली के साथ में एक बेटी भी थी जिसका नाम था मिस गुडविन। तो अब इस बात से ये पैमेला बिल्कुल भी उदास नहीं हुई, लेकिन लेडी डेवर्ट्स को बहुत अफसोस हुआ कि उसने बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो अब लेडी डेवर्ट्स ने पैमेला को एक्सेप्ट कर लिया अपनी सिस्टर इन लॉ के रूप में। अब ये लोग बेडफोर्ड शायर वापस आ गए और वापस आकर मिस गुडविन से मिले, यानी कि मिस्टर बी की बेटी से। पैमेला ने हंसते हंसते मिस गुडविन को एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ बेडफोर्ड शायर वापस आने के बाद में पैमेला की वो लोग भी इज्जत करने लगे थे जो पहले उसे पूछते भी नहीं थे। ये पूरी कहानी पैमेला के लेटर्स से बनी हुई है। दोस्तों इस कहानी की एंड में एडिटर बताता है कि इसके बाद में पैमेला ने एक अच्छी खासी लाइफ गुजारी। 6-6 महीने में वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाया करती थी और उसके खूब सारे बच्चे हुए। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।